देश में हिजाब और भगवा दुपट्टे को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसी बीच शहर में भी इसकी चिंगारी सुलगती दिखाई दे रही है। रविवार को शहर के युवक कांग्रेस की ओर से इस श्रृंखला में हिजाब के समर्थन में आंदोलन किया गया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। कर्नाटक में हिजाब बनाम भगवा गमछा की लड़ाई जारी है। हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को स्कूल कॉलेज में आने से रोका जा रहा है। विवाद के बाद छात्राएं हिजाब को अपना अधिकार बताते हुए इसे पहनकर स्कूल कॉलेज आ रही थी। इसके जवाब में हिंदू छात्र छात्राओं ने भगवा गमछा पहनकर आना शुरू कर दिया। पिछले साल के आखिरी दिन से शुरू हुआ विवाद हिंसक मोड पर भी आ गया है। देश के साथ ही शहर में भी इसकी चिंगारी सुलगती दिखाई दे रही है। रविवार को शहर के युवक कांग्रेस की ओर से इस श्रृंखला में हिजाब के समर्थन में आंदोलन किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए युवक कांग्रेस के वसीम खान ने हिजाब का समर्थन किया, साथ ही कहा कि मुस्लिम समुदाय की लड़कियां अपना सर ढकने के लिए हिजाब का उपयोग करती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आज का हमारा आंदोलन जो है, ये 3-4 दिन पहले जो घटना हुई कर्नाटक में, स्टूडेंट को हिजाब पहनने से मना किया गया और कुछ यानी केसरी रंग के दुपट्टे में कुछ ऊपरवादियों ने जो स्टूडेंट के साथ मिलाकर वहाँ हंगामा करा, उन्होंने रोका, उसके विरोध में है। और आज का कार्यक्रम हमारे शहर अध्यक्ष विकास भाई ठाकरे के आदेश अनुसार हुआ, यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ है। हमारा यही अपील है, जब कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे रहा है जो चीज़ की, तो आप रोकने वाले कौन होते हो? कल को ये बोलेंगे सिख लोगों को कि पेठा निकाल कर फेंक दो, किसी को बोलेंगे दाढ़ी निकाल लो, किसी को बोलेंगे भगवा कलर पहनना छोड़ दो। तो ये जो फालतू की तुगलकी ऐलान है, तुगलकी फरमान है, ये हम मानने वाले नहीं है। ये हिटलर शाही भाजपा की जो चल रही है, जो स्टूडेंट जो कल का फ्यूचर है इंडिया का, जो टर्निंग पॉइंट पे स्कूल और कॉलेजेस में खड़े हैं, उनके अंदर धर्म जाति भेदभाव जो डालकर इंडिया को डिवाइड एंड रूल का जो काम हो रहा है, ये हम होने नहीं देंगे। ऐसे हमारा काम चालू रहेगा और इनके विरोध में हम हमेशा खड़े रहेंगे। स्कूलों में हिजाब पहन के जा रहे हैं तो उचित मानते हो आप? स्कूलों में हिजाब, सर स्कूलों में आप मुझे बताइए, सरदार जो बच्चा पैदा होता है वो बचपने से पगड़ी बांधता है, वो भी स्कूल पगड़ी बांध कर जाता है। वैसे एक कोई किसी को ढोपा नहीं जा रहा है कि हिजाब पहनो नहीं पहनो। मुस्लिम समाज में कुछ लेडीज़ ऐसी, कुछ बच्चियाँ ऐसी रहती है जो अपना सर छुपाना चाहती है, तो सर छुपा कर जा रही है, कोई बुरखा नहीं पहन रही, अपना मुँह नहीं छुपा रही है, तो उनके दिल का सौदा है। कोई बच्ची स्कर्ट और जीन्स पहन रही हो तो उसको भी रोका नहीं जा रहा है, तो वो अपने दिल का सौदा, उसे हिजाब पहनना है, उसके राइट्स उससे कोई नहीं छीन सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के हाथों लिखा हुआ संविधान है और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर एक को राइट है उसके धर्म को फॉलो करने का, हर एक को राइट है उसके हिसाब के कपड़े पहनने का, तो अपने हिसाब के कपड़े पहन रहे हैं, इससे कोई रोक नहीं सकता है उसे। आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम वसीम खान, मैं नागपुर शहर जिला युवक कांग्रेस का उपाध्यक्ष। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।